let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Hey guys, welcome back to another brand new exciting video. My name is Zubdas and आपको इंडिया में सबसे पहले Oppo F21 Pro का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक देने वाला हूँ, फर्स्ट हैंड्स ऑन लुक. ओके, इंडिया में गाइस सबसे पहले आपको बताऊंगा. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना. एंड गाइस इसी तरीके से सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ़ोन के बारे में जानकारी चाहिए, ओके, हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है. हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होता है, वही आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ. इतना मैं कह सकता हूँ, इस चैनल पे आपको कोई भी फेक वीडियो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ हमेशा गाइस सही रहता है. ओके, एंड अभी तक का जो हाइस्ट पॉसिबल बेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है वही मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ. तो अगर हो सके तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है सबसे पहले कोई भी फ़ोन के बारे में जानकारी देने के लिए. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और एक छोटी सी बात गाइस कहना चाहूँगा, कह देता ही हूँ मैं, आप देख सकते हो मेरा जो चैनल है ऑलरेडी 69,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए और कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, जिससे मुझे भी मेरे चैनल को भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है अगर 1 लाख कंप्लीट हो जाता है. तो आप ऐसे अगर कोई भी नया व्यूअर ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अब गाइस देखो, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बट मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा गाइस, अब देखो ओप्पो F21 Pro इंडिया में अभी तो रिलीज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब टेक्निकली तो ये फ़ोन नहीं है. बट गाइस जो ओरिजिनल फ़ोन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, वही फ़ोन इंडिया में F21 Pro के नाम से रिलीज़ होने वाला है. ओके, 12th of April को. बट गाइस जिनको नहीं देखना है यहीं पर वीडियो को स्किप कर दे सकते हैं, यूट्यूब में और भी बहुत सारे इस टॉपिक में वीडियो मिल जाएंगे, उनके ऊपर देख लो. फेक इन्फॉर्मेशन देखने का इतना शौक है तो उनके वीडियो देख सकते. बाकी इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाऊंगा वही सेम फोन गाइस, सेम टू सेम फोन आपको इंडिया में रिलीज होने वाला है 12th of April को. ओके गाइस, आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देना चाहूंगा, जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज था वो इंडिया में कुछ ही दिन पहले रिलीज हो गया था, एक दो महीने पहले ही, बट वो 5G डिवाइस था. बट गाइस कुछ कुछ रीजन्स में जैसे कि इंडोनेशिया, वहाँ पर ओप्पो रेनो 7 4G नाम से भी एक डिवाइस लॉन्च हुआ था. वही सेम फोन गाइस रीब्रांड होकर ओप्पो F21 Pro के नाम से इंडिया में रिलीज होने वाला है. ओके, तो अब अनबॉक्सिंग देख लो. ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है ओप्पो रेनो 7 4G का बॉक्स, बट ये इंडिया में ओप्पो F21 Pro के नाम से रिलीज होने वाला है 12th अप्रैल को. तो देख लेते हैं जल्दी से बॉक्स कंटेंट. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर आपको ब्लैक कलर में ओप्पो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है. इसको अभी के लिए निकालते हैं. इसके ठीक नीचे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डिवाइस रखा हुआ है ओप्पो रेनो 7 AKA ओप्पो F21 Pro. इंडिया में ओप्पो F21 Pro के नाम से लॉन्च होगा. एंड आप साइड बाई साइड लुकिंग भी गाइस देख सकते हो, पूरा डिटो सेम है. एंड अंदर का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको सेम देखने को मिलता है. सब कुछ आपको आगे दिखाएंगे. सो थोड़ी देर के लिए गाइस डिवाइस को साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया है. जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले है कुछ पेपर मैनुअल, एंड इसको पढ़ के गाइस आप UPSC का एग्जाम भी पास कर सकते हो. ओके, एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हो है एक सिम इजेक्टर टूल, एंड इसके साथ साथ आपको एक नॉर्मल सा क्लियर TPU केस देखने को मिलता है. जैसे कि आप देख सकते हो जो क्वालिटी है वो एकदम ठीक ठाक है. सो और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया है. जैसे कि आप देख सकते हो USB Type-A टू USB Type-C केबल दिया है, एंड है एक 33 वाट का चार्जर. एंड इस चार्जर के जरिए इस फोन को आप कितने मिनट समय में फुल टू चार्ज कर पाते हो 100%, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा. ओके, एंड अब बात करते हैं फोन की ओवरव्यू के बारे में. एंड आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको सिर्फ एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन देखने को मिलता है. ओवरऑल जो बॉडी है वो आप देख सकते हो बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है. एंड इसके साथ साथ इस साइड में आप देख सकते हो सिम ट्रे, एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम रॉकर बटन. नीचे की तरफ आप देख सकते हो स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, एंड हेडफोन जैक भी गाइस इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है. एंड उसके साथ साथ इस साइड में आप देख सकते हो पावर बटन. ओके, एंड पीछे की तरफ गाइस आप देख सकते हो फाइबर ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है. ये इंडिया में फर्स्ट ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर आपको फाइबर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है. काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में, जैसे कि आप देख सकते हो. तो फिर गाइस अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में. इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंचेस का फुल HD 90Hz का पैनल देखने को मिलता है, पंचोल पैनल. ओके, एंड गाइस एक एमोलेटेड पैनल है. एंड इसका जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है वो है 600 nits. तो फिर आपको आउटडोर में कुछ खास आपको दिक्कत तो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है.
यहाँ काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है ब्राइटनेस लेवल, बट इंडिया में हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दे इंडियन यूनिट में, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना देखा है कि ओप्पो इंडियन यूनिट में कुछ चेंजेस करता है। ओके, मेन हाईलाइटिंग पॉइंट गाइस इसका कैमरा है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, एंड काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप है। ओके, एंड इसके साथ साथ गाइस इस डिस्प्ले के अंदर आपको 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलता है, अप टू 180 हर्ट्ज़। एंड इसके साथ साथ गाइस 8 बिट का पैनल है, 10 बिट का पैनल नहीं दिया है, बट आप इसमें HDR कंटेंट वगैरह देख सकते हो इजीली। ओके गाइस, बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस फोन के अंदर आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं है, एंड इसके साथ साथ इस फोन के अंदर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस, ओप्पो का जो फोन होता है देखने में काफ़ी अच्छा होता है, इस फोन के पीछे आपको फाइबर लेदर का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो फोन का एक अलग ही लुक दे देता है फोन को, एंड बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है आईफोन की तरह, तो फिर इसकी वजह से हाथों में काफ़ी हद तक आपको प्रीमियम लगता है ये फोन देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है फोन देखने में, जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्सी डिजाइन एंड फाइबर लेदर की होने के बाद। एंड इसके साथ साथ गाइस ये फोन काफ़ी पतला है, 7.54 mm थिकनेस के साथ आता है, उसके साथ साथ 175 ग्राम ओनली इसका वेट है, काफ़ी कम वेट है, एंड उसके साथ साथ थिकनेस भी काफ़ी पतला है, तो फिर गाइस लुकिंग के मामले में तो वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, एंड गाइस अब मैं फाइनली बात करना चाहूँगा परफॉर्मेंस के बारे में। एंड इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, उसके साथ साथ LPDDR 4X का रैम, एंड उसके साथ साथ UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। गाइस जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि ये फोन प्राइस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो प्राइस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है, तो परफॉर्मेंस गाइस कुछ खास नहीं है, बट इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका कैमरा। एंड फाइनली अब मैं बात करना चाहूँगा कैमराज के बारे में। एंड इस फोन के अंदर जो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो मेन प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। अब गाइस बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माइक्रो सेंसर एंड मैक्रो लेंस में फ़र्क भूल जाते हैं, माइक्रो सेंसर एक अलग है गाइस, मैक्रो सेंसर अलग होता है, माइक्रो सेंसर अलग होता है। आपने अगर ओप्पो फाइंड X3 Pro आपके यूज़ किए हो या फिर आपने अगर देखे हो, तो उसके अंदर भी यही सेम सेंसर लगा हुआ होता है। एंड इस सेंसर से क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट के बहुत बहुत ज़्यादा पास जा सकते हो, मैक्रो लेंस में तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के ज़्यादा पास आप नहीं जा सकते, बट इस सेंसर की मदद से मतलब आप अंदर तक घुस जा सकते हो। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितना पास आप जा सकते हो, एंड आप देख सकते हो बहुत पास जाते हो ऑब्जेक्ट के, तो लाइट कमी हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको एक ऑर्बिट लाइट भी देखने को मिलता है। ओके, तो इस फोन गाइस आप ओप्पो रेनो 7 लाइट कर सकते हो, क्योंकि ओप्पो रेनो 7 सीरीज का ये लाइटर वर्सन है। ओके, एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ कह देता हूँ गाइस, ये फोन 4G फोन होने वाला है, 5G फोन है नहीं है। ओके, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। एंड गाइस अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। एंड इस फोन के अंदर आपको सोनी IMX709 का 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, इस सेम सेंसर आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो में भी देखने को मिलता है, तो फिर गाइस आप समझ ही सकते हो इस फोन का जो फ्रंट कैमरा होने वाला है, जो सेल्फी लवर है वो डेफिनेटली इस फोन को पिक कर सकते हैं, क्योंकि जो सोनी का जो सेंसर है एक फ्लैगशिप ग्रेड सेंसर है, बहुत सारे फोन में तो बैक कैमरा में भी इस सेंसर को यूज किया गया है, आपको ये सेंसर फ्रंट कैमरा में देखने को मिल रहा है, तो फिर कमाल का सेंसर होने वाला है सेल्फी लवर के लिए, ये फोन वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। बल्कि बस एक ही डिसअपॉइंटिंग है इस फोन का अभी तक का मुझे जो लगा, कि 2022 में ये फोन रिलीज हो रहा है एंड अभी भी 4G फोन है ये। ओके, अब आई डोंट नो कि इंडिया में जब आएगा तब 5G बैंड्स प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, अब फाइनली गाइस बात करते हैं चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ के बारे में। एंड इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। एंड आप देख सकते हो कंपनी ने क्लेम किया है कि 15 मिनट के अंदर ये फोन 32% चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे 5-10 मिनट के अंदर ये फोन फुल टू 100% चार्ज हो जा सकता है, या फिर 1 घंटे के अंदर भी। तो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। एंड गाइस आप देख सकते हो इस फोन की इंडोनेशियन प्राइस को अगर मैं इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो आपको 27,000 के आसपास होता है, बट गाइस मुझे नहीं लगता कि ये इतना प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च होगा, मुझे लगता है इंडिया में अंडर 22K या फिर 20K के अंदर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ओके, तो बस गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो पसंद आया है, सबसे पहले आपको इंडिया में रहकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इतना कुछ बताया, तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इसी तरीके से सबसे पहले कोई भी फ़ोन के बारे में सबसे पहले अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। एंड इस फोन से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट करके बताओ, मैं एक एक कॉमेंट का चुन चुन कर रिप्लाई, जो कि मैं हर एक बंदे का देता ही हूँ रिप्लाई, आपका भी मिल जाएगा, बस कॉमेंट करके देखो, अगर रिप्लाई नहीं मिलता
जाए तो कहना, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर से करना। तो बस गाइस, मेरे वीडियो में मेरा पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।